हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि पीएचडी से जुड़ा हुआ है। आप सभी को बता दें, पीएचडी के रूल बुक में एक बहुत ही बड़ा देखा जाए रूल ऐड हुआ है, और इससे जो लोग पीएचडी भविष्य में करने वाले हैं या पीएचडी कर रहे हैं वो सभी लोग प्रभावित होंगे। आपको पता होगा कि पीएचडी प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है मिनिमम 3 ईयर एंड मैक्सिमम 6 ईयर, अगर फीमेल एंड आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी छोड़ दिया जाए तो। ये नॉर्मली 3 टू 6 ईयर का ये प्रोग्राम होता है, और ये प्रोग्राम देखा जाए थोड़ा सा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का होता है, और इस ड्यूरेशन में बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस आते हैं। जैसे कि जब आप पीएचडी करने जाते हैं तो आप जॉब में नहीं होते हैं, और इन 3 से 6 वर्ष के बीच में आपका अगर जॉब लग जाता है, गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, तो फिर आपको क्या करना होगा। आपको पता होगा कि पीएचडी के एडमिशन का जो रूल होता है, जो लोग जॉब में होते हैं उनको पार्ट टाइम पीएचडी करना पड़ता है, और जो लोग जॉब में नहीं होते हैं वो फुल टाइम पीएचडी करते हैं। और फुल टाइम पीएचडी में एडमिशन लेते समय एफिडेविट देना पड़ता है कि हम अपने रिसर्च वर्क के अलावा कोई भी अदर वर्क नहीं करने वाले हैं। लेकिन 3 से 6 वर्ष का एक लंबा समय होता है, और इस बीच में आपका जॉब लग जाता है, तो आपको क्या करना होगा। देखिए, पहले था कि या आप जॉब सेलेक्ट करेंगे और या आप पीएचडी सेलेक्ट करेंगे, दोनों में से एक आपको तय करना होगा कि एक चीज आपको अपनी लाइफ में ऐड करना होगा, एक चीज को आउट करना होगा। आपको पता होगा मोस्टली टीचिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वही पीएचडी करते हैं, और समस्या ऐसी हो जाती है कि अगर आप लोग चाहें कि हम फुल टाइम पीएचडी को जारी रखें और अपने जॉब को भी जारी रख लें साइलेंट तरीके से, तो ये बढ़िया रहेगा, नहीं इसे समस्या हो जाएगी। अगर आप लोग टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, अपना देखा जाए टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आप पीएचडी अगर कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये देखा जाए तो आपका मैच नहीं होगा, ठीक है, टाइम कोलैप्स कर जाएगा आपस में। और या अगर देखा जाए आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, ठीक है, और फिर पीएचडी लगा के अपने जॉब में और भी देखा जाए अपना पद ऊपर करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे भी समस्या हो जाएगी, क्योंकि कहा जाएगा कि जब आप जॉब कर रहे थे तो पीएचडी कैसे कर लिए फुल टाइम, तो ये समस्या आ जाती है। तो इस समस्याओं से बचने के लिए, इन समस्या से निपटने के लिए यूजीसी ने एक रूल दिया है कि अगर आप लोग फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं और जॉब लग गया तो आप लोग अपने पीएचडी के देखा जाए जो टाइप है फुल टाइम का उसको कन्वर्ट करके आपको पार्ट टाइम में करा लेना है। ये फैसिलिटी पहले नहीं थी, ये फैसिलिटी अब उपलब्ध करा दी गई है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके अपना देखा जाए फुल टाइम पीएचडी पार्ट टाइम में कन्वर्ट करा के अपना जॉब आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है उन सभी के लिए जो लोग समस्या में आ जाते थे कि हम अगर पीएचडी करते हैं और जॉब में आ जाते हैं तो फिर क्या होगा हमारा। तो बढ़िया अपडेट है आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया ये न्यूज़ है जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।